हमेशा लेट करती हैं, कभी भी टाइम पे नहीं आती हैं, वो हर रोज लेट हो जाती हैं, वो भी एकदम नोटी हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बच्चों अभी आपने देखा कंडक्टर अंकल ने रिया के गालों को ऐसे जोर से खींचा जिससे रिया को दर्द हुआ। अगर आपके गालों को कोई ऐसे जोर से खींचता है तो आपको दर्द होता है ना? Yes. होता है ना? Yes. So this is bad touch. ये हमारे लिए सेफ नहीं है। This is bad touch. अगर आपके गालों को कोई ऐसे जोर से खींचता है तो आपको चुप नहीं रहना है। क्या करना है आपको? जोर से चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? No. मुझे दर्द हो रहा है। क्या चिल्लाना है? No. मुझे दर्द हो रहा है। और आपको अपनी बस में बैठी हुई मैम को बताना है कि मैम इन अंकल ने मेरे को ऐसे टच किया जिससे मेरे को दर्द हुआ। ठीक है, किसको बताना है? मैम को। चलो 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 चलो। वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है, पता नहीं किसका है ये। बेटा आपको ये अच्छा लगा? हाँ, आपको और भी चाहिए? हाँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। चलो और ले आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू अंकल। नो रिया स्टॉप, आप इसे जानते हो? नहीं। ये आपके लिए अनजान है ना? हाँ। तो आपको इसके साथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों अगर कोई अंकल आपको ऐसे ले जाते हैं पकड़ के और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, मैं तुम्हें खिलौने देता हूँ, या मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाता हूँ, तो आपको उन अंकल के साथ नहीं जाना है। आपको उन अंकल से अपना हाथ ऐसे छुड़वाना है और भाग के अपने मम्मी पापा दादा या दादी के पास जाना है। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए सेफ नहीं है। दिस इज बैड टच। ये हमारे लिए सेफ नहीं है। ओके, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो प्यारे बच्चों, आइसक्रीम खाओ, अच्छी अच्छी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो बच्चों। अरे कौन हो तुम? छोड़ो इस बच्चे को, तुम इस बच्चे को ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। चल तू थाने चलते, तुम्हें वहां सबक सिखाता हूँ।